हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉर्क मास्टर चैनल पे। मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी वैगनर एलएक्सआई सीएनजी के बारे में। तो ऐसी कुछ इसकी कीज़ मिल जाती है आपको, सेंटर लॉकिंग बाहर से लगवाना पड़ जाता है आपको एलएक्सआई सीएनजी मॉडल में। तो इसमें आपको कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, साथ में इसकी क्या प्राइस पड़ती है पुणे में, इसकी भी बात करने वाले हैं इसमें। तो गाड़ी देख सकते हैं आप, इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज लगाई हुई है, तो वो इंक्लूड नहीं होती है गाड़ी में, आपको आफ्टर मार्केट इसे लगवाना पड़ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में फ्रंट से। इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। इसकी जो हेडलाइट्स देख सकते हैं आप, हेलोजन में आते हैं इसके हेडलाइट्स। इसमें आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, आफ्टर मार्केट इसे आपको लगवाना पड़ जाता है। साथ में इसमें जो आपको ग्रिल मिल जाती है, ये बीच की ये आपको मिल जाती है इसमें, और जो साइड वाली है वो आपको आफ्टर मार्केट डलवानी पड़ती है। साथ में ये भी पोर्शन आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, लेकिन इसमें स्किड प्लेट लगी हुई है। तो इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट्स के साथ ये जो इंडिकेटर्स है वो भी आपको हेलोजन में ही मिल जाते हैं। वाइपर्स की बात करें तो आपको नॉर्मल वाइपर्स मिल जाते हैं, और साथ में आपको दो नोजल मिल जाते हैं स्प्रे के लिए। इसमें आपको 13 इंचेस के स्टील रिम्स मिल जाते हैं। इसमें जो व्हील कैप्स लगे हैं ये एज ए एसेसरी है। इसमें आपको 155 ATR 13 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इसके आप सस्पेंशंस देख सकते हैं, साइड लुक देख सकते हैं इसका। सेगमेंट के हिसाब से इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। आपको जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं, और साथ में जो ये साथ में आपको एक्सटर्नली एडजस्टेबल ये मिरर मिल जाते हैं, जो कि आपको हाथ से ही एडजस्ट करने पड़ते हैं। और साथ में जो इंडिकेटर है आपके वो फेंडर पे दिए गए हैं। साथ में आप देख सकते हैं सीएनजी की इधर आपको बैजिंग मिल जाती है। तो सीएनजी भरने के लिए आपको ये खोलना पड़ता है, और इसमें से इधर से आपको सीएनजी फिल हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है, बोनट खोलना नहीं पड़ता है। तो इसके रियर लुक की बात करें तो रियर लुक इसका काफ़ी अच्छा है। इसके जो लाइट्स है वो भी काफ़ी ऊंचे दिए गए हैं, काफ़ी बड़े। ये सभी लाइट्स हेलोजन में आते हैं। साथ में जो ये स्टॉप लैंप है वो भी आपको हेलोजन ही मिल जाता है। पीछे भी आपको सीएनजी की बैजिंग दी है। साथ में ये जो स्ट्रिप देख सकते हैं इस पर आपको वैगनर की बैजिंग मिल जाती है, साथ में सुजुकी का लोगो भी आपको दिया है। पीछे आप देख सकते हैं इसका पीछे का बम्पर भी नीचे इसमें सिल्वर स्किड प्लेट लगाई है आफ्टर मार्केट। इसमें आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं एलएक्सआई मॉडल में भी। इधर से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, और साथ में इधर की भी डाल सकते हैं। इस मॉडल में आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, और सीएनजी सिलेंडर होने के बावजूद आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। ये सीएनजी सिलेंडर आप देख सकते हैं ये 12 kg का है, और साथ में जो स्पेयर व्हील है वो भी स्टॉक साइज का ही है, 155 ATR 13। और ऐसा कुछ आपको इसका रियर लुक दिख जाता है टेलगेट ओपन करने के बाद। तो रियर डोर की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा खुल जाता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री खुल जाता है ये। और साथ में देख सकते हैं इसमें आपको रियर पावर विंडोज़ नहीं मिलते हैं, और ये जो डोर दिया है इसमें आपको स्पीकर डलवाने के लिए जगह दी है, और साथ में बॉटल होल्डर भी मिल जाता है आपको इसमें, और चारों डोर्स पर आपको ये बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। स्टेपिंग करना काफ़ी अच्छा खासा ईजी हो जाता है, और इसमें जो लेग रूम मिल जाती है गाइस वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, क्योंकि इसका जो केबिन है वो काफ़ी बड़ा है। ऊपर देख सकते हैं केबिन लैंप आपको आगे मिलती है, ऊपर नहीं मिलती है। साथ में ये जो ग्रैब हैंडल्स है वो ऐसे कुछ आपको होल्ड करने के लिए दिया है। सेंटर में आपको कोई बॉटल होल्डर नहीं दिया है, रियर एसी विंड भी मिलता नहीं है आपको, और ये जो चारों इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, वो एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं आपको, और जो डोर्स है वो सारे ब्लैक फिनिश में है, बेज कलर में नहीं है। वो काफ़ी वाइड ओपन होता है, इसकी वजह से चढ़ना या उतरना काफ़ी ईजी हो जाता है। डोर्स तो काफ़ी लाइट फील हो जाते हैं इसके। तो चलते हैं ड्राइवर साइड पे और देखते हैं आपको उधर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि इधर भी आपको बॉटल होल्डर दिया है, और इधर कुछ आप सामान रख सकते हैं। साथ में ये जो ग्रिल है यहाँ पर आप स्पीकर इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में ये जो पावर विंडोज़ है आगे के मिल जाते हैं ऑटो डाउन के फंक्शन के साथ, और साथ में ये जो लॉक का फंक्शन दिया गया है आपको। इधर आप देख सकते हैं स्विचेस सीएनजी टू पेट्रोल करने के लिए, साथ में ये जो
रिमोट लगवाया है उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो है, और साथ में ये फॉगलैंड आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए है उसका ये स्विच है, और ये हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है। बोनट आप इधर से ओपन कर सकते हैं ऐसे इसको खींच के। फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए यहाँ पर लेवर दिया गया है। ये जो सीट है वो फोर वे एडजस्टेबल सीट है। इधर जैक दिया गया है, यहाँ पे प्लेस्ड है जैक। इसका जो क्लस्टर है वो आप देख सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ स्पीडोमीटर मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको पेट्रोल का दिया है कितना पेट्रोल लेवल है, राइट साइड में आपको सीएनजी के लेवल बताता है, और बीच में जो है दो ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं, और साथ में आपको माइलेज भी यहाँ पे शो करता है। ये सीएनजी का माइलेज नहीं शो करता है, पेट्रोल का ही शो करता है। इसका जो स्टेयरिंग है वो ऐसा कुछ मिल जाता है आपको, काफ़ी लाइट स्टेयरिंग है ये, सिटी ट्रैफिक में और पार्किंग में आपको काफ़ी अच्छा खासा फील देगा ये, आपका पेन बहुत कम होगा स्टेयर करने में। ये एडजस्टेबल नहीं है रिच और रैक, ये फिक्स मिलता है, रिच और रैक वाला फंक्शन नहीं मिलता है इसमें। ये सुजुकी का लोगो भी काफ़ी अच्छा है, और साथ में इधर आपको इधर से भी प्रेस कर सकते हैं हॉर्न के लिए। बाकी इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया है ये म्यूजिक सिस्टम। ये जो एसी के कंट्रोल से वो देख सकते हैं, यहाँ पे आप फ्लो की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में ये टेम्परेचर का दिया गया है, और यहाँ पे कैसी हवा चाहिए आपको वो दिया है। साथ में इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पे भी आप कुछ सामान रख सकते हैं, आप मोबाइल वगैरह। इसका जो 5 स्पीड का मैन्युअल ट्रांसमिशन है वो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे आप कॉइन्स रख सकते हैं। हैंड ब्रेक देख सकते हैं, कहीं पे भी यहाँ क्रोम का यूज़ नहीं किया है, मतलब सिल्वर फिनिश जो कहते हैं उसका यूज़ नहीं किया गया है। तो गाइज इसकी जो सीटें हैं वो काफ़ी हाइट पे है, आपको ऐसा लगता है कि आप एसयूवी में बैठे हैं, ऐसा ही लगता है। साथ में इसका जो डैशबोर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसका जो फिट फिनिश है वो ठीक ठाक लगता है। हार्ड प्लास्टिक मिल जाते हैं आपको, सॉफ्ट नहीं मिलते हैं। साथ में यहाँ पे भी SRS एयरबैग की ब्रांडिंग है, और ग्लोबॉक्स की साइज़ की बात करें तो ये डिसेंट साइज़ का है। साथ में आयर भी हम जो है आपको डे नाइट नहीं मिलता है, नॉर्मल मिल जाता है। यहाँ पे आपकी जो केबिन लैंप्स है वो भी हैलोजन में मिल जाती है। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर जरूर मिल जाता है, यहाँ पे आपको कोई मिरर नहीं दिया गया है, और जो बीच में आप देख सकते हैं कहीं पे भी सिल्वर फिनिश का यूज़ नहीं किया गया है। एसी वेंट्स के सराउंड भी, एसी वेंट्स आप ऐसे ओपन क्लोज कर सकते हैं। बाकी जो इसका यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स दिए हैं, और साथ में यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दिए हैं। तो गाइज इसमें आपको 998 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो सीएनजी के साथ 58 बीएचपी की पावर जनरेट करता है, और पेट्रोल में ये लगभग 68 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। और जो इंजन भी है इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और जो आप स्पेस देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। साथ में यहाँ पे सीएनजी की जो लेवल है वो भी बताता है मैनुअल में, डिजिटल में अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है। तो इसका जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ है, सीएनजी पे ये माइलेज देती है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स पर केजी का, और इसका जो हाईवे पे रिस्पांस है वो काफ़ी बढ़िया है। तो ये लगभग इसकी प्राइस की बात करें तो 6,40,000 रुपीज़ इसकी ऑन रोड प्राइस है पुणे में, और जो इसमें आप एसेसरी देख सकते हैं लगे हुए वो लगभग 55,000 रुपीज़ के हैं। इसका जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है सीएनजी पे भी। तो आपको ये वैगनर LXi सीएनजी कैसे लगेगा इस कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो इसे लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।